इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच विध्वंसक हमले जारी हैं। हमास हमले में 300 इजरायलियों की मौत हो गई है, 1700 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल ने 232 फिलिस्तीनियों को अभी तक मार गिराया है। एक और बड़ी खबर है, हमास पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है। कई मोर्चों पर एक साथ हमला करेगा इजरायल। बड़ी संख्या में गाजा पहुंचे हैं इजरायली टैंक, 1,00,000 से ज्यादा इजरायली रिजर्व तैयार है। वहीं इजरायल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बड़ी चेतावनी दी गई है, हमास को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, हम हमास से काले दिन का बदला लेंगे, सेना हमास को तबाह करने में पूरी ताकत लगाएगी। और बड़ी खबर आपको दे दें, इजरायल के रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी, हमास ने बहुत बड़ी गलती की है। योव गैलेंट ने यह कहा है, जो कि इजरायल के रक्षा मंत्री हैं। योव गैलेंट ने कहा कि हमास को भारी कीमत चुकानी होगी। היום ראינו את פני הרוע. החמאס פתח בהתקפה חסרת הבחנה, ברוטלית ונפשעת כנגד אזרחי מדינת ישראל. הוא לא הבחין בין נשים וילדים, בין זקנים לבין מבוגרים, ופגע בכולם. और बड़ी खबर है, गाजा पट्टी से इसराइल पर हमले जारी हैं। हमास ने इसराइल पर रॉकेट की बौछार की है, नागरिकों को निशाना बना रहा है हमास। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, ताबड़तोड़ इसी तरीके से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। इजरायल को इन धमाकों से दहलाया जा रहा है, नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कई वीडियोस हैं जहां पर बेकसूर लोगों को भी हमास के आतंकी टारगेट कर रहे हैं। अहम खबर है, इसराइल पर हमले का सबसे नया वीडियो, हमास ने कई रॉकेट इसराइल पर दागे हैं। हमास ने इसराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। हमास का रॉकेट से हमला, हमास ने रॉकेट दागे हैं। कई ऐसे इलाके हैं इजरायल के जहां पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और देखिए हमलों के बाद किस तरीके से दहशत का माहौल है चारों तरफ, ये आपको इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा होगा।